लॉर्ड लिटन जो 1876 से 80 तक इंडिया का वायसराय रहेंगे, अब तक के सबसे सख्त और मतलब सज्जन न करके दुष्ट किस्म का वायसराय जो थे लॉर्ड लिटन ही थे। तो ये 4 साल तक रहेंगे। पहले जो होगा ये 1876 से 80 तक, तो आते आते इनके इंडिया में भुखमरी आ जाता है। भुखमरी आ जाता है तो इस कंडीशन में एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं, रिचर्ड कमीशन। 1876 से 78 तक ये भुखमरी रहता है। रिचर्ड कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब तो बात की बातें हैं, बट ये है कि आते आते ये कमीशन एक अपॉइंट किए थे। अच्छा, रॉयल टाइटल्स एक्ट जो कि 1876 में ही लाए थे, जो कि क्वीन विक्टोरिया को भारत के महारानी घोषित किया गया, केसर ए हिंद की उपाधि उन्हें दी गई, इन्हीं के काल में की गई, लॉर्ड लिटन के। बताइए, जनता मर रहा है भूखे और आप वहां की महारानी को इंडिया के केसर ए हिंद या फिर इंडिया की महारानी बनाने जा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचो, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन अगर सही रहता तो आप कर लेते तो कोई इतना उंगली नहीं उठाता, बट यहाँ पर इंडिया भूखे मर रहा है और तुम अपना रोटी सेकने में लगे हुए हो, ये तो कतई ठीक नहीं है ना। और ये देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा, और भी बहुत सारे काम करेंगे, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया या फिर आंग्लो अफगान वार होगा, जैसे सेकेंड आंग्लो अफगान वार होगा ना, इन्हीं के काल में होगा। तो पहला हो गया भुखमरी वाला जो कि रिचर्ड कमीशन लगाएंगे, उसके बाद केसर ए हिंद जो कि क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनेगी, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट भी आएगा। आर्म्स एक्ट मतलब अब सब कोई आर्म्स या फिर हथियार नहीं रख सकता था। आर्म्स एक्ट आएगा 1978, इन्हीं के काल में आएगा। उसके बाद सेकंड अफगान वार हो जाएगा। हाँ, लेकिन इनके बाद जो 80 से 84 आता है 4 साल के लिए, लॉर्ड रिपन आते हैं, ठीक इसके उल्टे होते हैं, अच्छे वायसराय होते हैं, वो एक फ्रेंडली काम करते हैं, इंडिया को एक मतलब बोले कि एक दुश्मन की तरह ना करके एक फ्रेंडली कोऑपरेट करके यहाँ के जनता से विश्वास में लाते हैं कि हाँ हम भी इंसान हैं। और इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, इसे कुछ सुधार करते हैं, रिपील करते हैं। उसके बाद जो होता है फैक्ट्री एक्ट लाते हैं 1881 में, जो कि वहाँ के लेबर को, वहाँ के मजदूर की कंडीशन को कुछ सुधार की जाती है। पंचायती राज सिस्टम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो 1882 में आ गई, इन्हीं के योगदान था, बहुत बड़ा इनका योगदान था, लॉर्ड रिपन का, पंचायत का। अगर कहें कि भारत में ब्रिटिश काल में भारत में पंचायत का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद एल्बर्ट बिल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, इसका भी शुरुआती लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद एल्बर्ट बिल, वहीं सीनियर इंडियन लोग जज जो थे ब्रिटिशरों को जस्टिस नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ था। तो लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड रिपन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिस्कशन और भी इस पर किया जाना चाहिए।